लेकिन फिर भी सर चोरी तो सभी जगह होती है और बिना चोरी के तो गुजारा हो ही नहीं सकता। रिक्शा चलाने वाला है उसके ऊपर 1,40,000 रुपए की पेनाल्टी पड़ी तो वो कहाँ से देगा। महंगाई तो सर पूरे हिंदुस्तान में है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय धनी, डाउनलोड नाउ। बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में आपने रामपुरी चाकू का नाम तो सुना ही होगा। आज हम उसी रामपुर में मौजूद हैं और ये वही चाकू की दुकान है। अब कुछ एक दुकानें रह गई हैं, पहले काफ़ी दुकानें यहाँ पर रामपुर के चाकू की हुआ करती थी। ये चाकू आप पीछे देख सकते हैं सर, इसमें सर रामपुरी चाकू कौन सा है? जो बटन से खुला करता है। अच्छा, और बटन से ही सर बंद होता है। अच्छा, रामपुर के अलावा कहीं ये देख सकता हूँ? अच्छा, ये चाकू पहले और कहीं नहीं बनाया? कहीं नहीं बनता, आज तक नहीं बनता है कहीं। इसे बंद कैसे होता है? ये सर प्रेस करेंगे इसे। अच्छा, और ये इसको खुलेंगे। अच्छा, इस पे रामपुर लिखा हुआ है? जी हाँ सर, रामपुर लिखा हुआ है। रामपुर लिखा हुआ ये चाकू है। तो साहब रामपुरी चाकू के साथ फिलहाल हम बात करेंगे रामपुर के सियासत की। तो अभी रामपुर में उपचुनाव है, क्या लगता है आपको कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है? सर देखिए, आम पब्लिक को क्या चाहिए होता है? सिर्फ चाहिए होता है विकास जी। और विकास जब होगा तो जाहिर है कोई हिंदू सिख हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी कैंडिडेट हो लड़ने वाला, उसे काम चाहिए होता है। आम पब्लिक को सिर्फ काम, कम से कम राशन हो उससे खुश हो जाता है यहाँ के आम पब्लिक। और आपका जैसे कि ये बिजली का काम है और ये जो है कारोबार है, कोई फैक्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा खुश होंगे लोग, और कुछ नहीं चाहिए होता। रामपुर में ज़्यादातर आवाम किस तरह की है? गरीब है जी? मीडियम है, मीडियम भी है सर, गरीब भी है, सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है यहाँ पे सर। अगर फैक्ट्रीज होती तो यहाँ के कारोबार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। इससे पहले पीलिंग मशीन वगैरह थी यहाँ पे, तो उससे लोगों के कारोबार अच्छे थे। जब ये सुबह में दुकानें खोला करते थे तो यहाँ पे काफ़ी दुकानदार काफ़ी पैसे बेच लिया करते थे, आम मतलब रेडीमेड का भी या कुछ भी। जब से पीलिंग मशीन वगैरह यहाँ से खत्म हुई है तब कारोबार थोड़ा सा कम हो गया यहाँ। पहले चीनी का कारोबार यहाँ रहता था, चीनी मिट्टी जी जी शुगर जी सर, शुगर मिल था यहाँ पे और आपका कपड़ा मिलता है यहाँ पे। वो खत्म हो गया, पुराना हो गया, बंद हो गया, लेकिन उसको खोलने की कोशिश भी की गई थी लेकिन खुला नहीं, सिर्फ अखबारी काम रह गया। वो सरकार की तरफ से उसको और बढ़ाने के लिए, आगे उसकी ग्रोथ के लिए कोई प्रयास नहीं किया जी सर? कुछ हुआ इसमें लेकिन आगे बढ़ा नहीं, इस प्रयास को आगे नहीं बढ़ाया गया सर। और अगर आगे बढ़ाते तो ऐसे नहीं है कि यहाँ का कारोबार अच्छा नहीं होता, कारोबार भी अच्छा होता, बहुत अच्छा काम चलता है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो बड़े जोर शोर से प्रचार भी कर रही है और लग भी रहा है कि इस बार उनकी जीत होगी ऐसा पब्लिक का कहना है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से 40 सालों से 45 सालों से जो आजम खान साहब की यहाँ पर जो गढ़ रहा है उसको ढह पाएगी भारतीय जनता पार्टी का इस बार जीत हो पाएगी या नहीं? क्या सर उम्मीदें तो हैं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। आपके हमारे जो हनी भाई हैं ये भी बहुत बढ़िया आदमी है, इससे पहले भी उनके फादर जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, जिस वक्त वो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया था। अब जो है विकास, अब जो अपने आकाश भाई हैं इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा अगर चेंज होता रहे, सबका तजुर्बा जो है इसमें यही है कि चेंज होता रहेगा तो ज़्यादा, मतलब कुछ नया हो तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ नया हो तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। लेकिन उम्मीदें बहुत हैं उनसे। आपकी विकास लग रहा है कि आकाश सक्सेना को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे? सर उम्मीद तो यही है कि हमारे आकाश भाई जो है वो कैबिनेट ही मंत्री बनेंगे। अच्छा। उन्हें बनाया ही जाएगा क्योंकि वो इस लायक हैं, उस सीट के लायक हैं। रामपुर में किन मुद्दों पर चुनाव होता है? सर ये इसी मुद्दों पर है, ये तो चुनाव विकास पे है, जिसने ज़्यादा अच्छा विकास किया वो जीतेगा। विकास के अलावा रोजगार? नहीं सर रोजगार देखिए, हर मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि विकास भी रोजगार भी ये सब चीज़ चाहिए आम पब्लिक को, कुछ नहीं चाहिए। महंगाई तो सर पूरे हिंदुस्तान में है, ऐसा नहीं कि रामपुर में है, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है सर। और महंगाई भी ना, गुंडागर्दी कम है सर। हाँ सर, ये जो क्राइम जो है बहुत कम हो रहे हैं, अब से पहले ज़्यादा थे लेकिन अब क्राइम नहीं है, अब कहीं नहीं सुनने में आ रहा है। ये हमारे योगी जी ने बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इंतज़ाम कर रखा है और उन्होंने कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है कि साहब कहीं चोरी चकारी डकैती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कहीं यहाँ पे।
क्या लगता है कि इस बार रामपुर में किसकी सरकार? सर मेरे हिसाब से तो सर बीजेपी की सरकार है सर। बीजेपी की? जी सर बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल। विकास को वोट मिलेगा? बिल्कुल विकास को। सर मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आकाश जी से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोगों ने आपकी लगा रखी हैं, आपके सारे मोमडन भी खुल के ही इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि भाई आपके आकाश भाई को ही जिताना है और आपके आकाश भाई को कैबिनेट मंत्री बनाना है और उसके बाद फिर देखना है कि हमारे आकाश भाई देखिए क्या करते हैं। इस बार मुसलमान आकाश के साथ है? जी 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 जी, काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी जुड़ने वाले हैं लोग। तो भाजपा की जीत है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले भी अभी बिजली के बहुत चेकिंग हुई थी यहाँ पे, बिजली की चेकिंग भी रुकेगी क्योंकि वो जगह जगहों पे कहीं अच्छा, रहे लोग कह रहे थे ये बिजली की चेकिंग का मुझे समझ में नहीं आया, एक बार जरा क्लियर करें कि वो कह रहे थे कि बिजली की चेकिंग रुक गई है। जी हाँ, अब तो क्या बिजली की चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी? सर देखिए ऐसा है, जो लीगल लोग हैं ना उनके साथ भी ये परेशानी हुई कि मतलब दो दो लाख का उनके ऊपर पेनल्टी डाल दी गई। अच्छा, जो अनलीगल तो वो जो अनलीगल है वो तो जाहिर है वो तो है ही हाँ। इसके दोषी हाँ। जो लीगल है उसका उसके साथ ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर है भी ना तो कहीं अगर किसी को ऊपर पेनल्टी पड़े तो उसके हैसियत के हिसाब से पेनल्टी पड़ना चाहिए। अब पता है चला कि एक रिक्शा वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उसके ऊपर 1,40,000 रुपये की पेनल्टी पड़ी तो वो कहाँ से देगा और उसके घर के अंदर क्या चीज़ चल रही होगी? तो क्या रामपुर में इससे पहले बिजली के बिल नहीं भरे जाते थे या बिजली चोरी होती थी, किस तरीके से? सर देखिए ऐसा ना, अब अंडरग्राउंड है, अब चोरी कम है, लेकिन फिर भी सर चोरी तो सभी जगह होती है और बिना चोरी के तो गुजारा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो बिजली का की चोरी है या कोई रिक्शा वाला है या कुछ है तो उसको हैसियत के हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी डाल दिया, ये नहीं कि एक रिक्शा चलाने वाले के ऊपर 2,00,000 का पेनल्टी डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा वाहन चेकिंग की भी कोई बात कर रहा था? सर वाहन चेकिंग भी चल रही थी लेकिन वाहन चेकिंग अब कोई नहीं है, काफ़ी टाइम से कोई वाहन चेकिंग नहीं, और वहाँ चेकिंग होती है तो जाहिर तो सिक्योरिटी की वजह से होती है ना, वो तो होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, देखिए जाहिर है कि हेलमेट किसके लिए है, आम पब्लिक के लिए, जो भी उस पर वाहन पे चलेगा तो उसको ज़रूरी है, प्लस DL या कागज़ कंप्लीट होना चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तो कमी नहीं है, वो तो जाहिर है कि वो हर चीज़ को चेक करेगा, जब तक चेकिंग नहीं करेंगे इसीलिए एक्सीडेंट वगैरह कुछ ज़्यादा हो रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि कोई कहीं डिवाइडर से अड़के मरा, कहीं कुछ हुआ, कोई कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसके हिसाब से ये चीज़ कम हो जाती है। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि रामपुर की जनता क्या चाहती है, हमने शाविद खान जी से बात करी और शाविद खान जी की दुकान यहाँ रामपुर के चाकू बाज़ार में है, पुरानी पुश्तैनी दुकान है और यहाँ पर चाकू बाज़ार में आप जब आएंगे एंट्री करेंगे तो दो ही दुकानें हैं, एक बब्बू भाई की दुकान है और एक कर्नल साहब की दुकान है, तो ये दो दुकानें आप बची हैं जो कि रामपुर के चाकू की विरासत को संभाले हुए हैं। कभी आइएगा रामपुर तो चाकू रामपुरी ज़रूर लेकर जाइएगा, फिलहाल एक तो हम लेकर जाने वाले हैं।